सबसे पहले आप इतनी संख्या में हमारे साथ बापू आश्रम आए हैं, बापू धाम आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात आप सब जानते हैं कि आज गांधी जी का बलिदान दिवस है और आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। और आप ये जान लीजिए कि गांधी जी के हत्या के प्रयास 6 बार किए गए थे, 6 बार। ऐसा नहीं है कि विभाजन के चलते गांधी जी की हत्या की गई। गांधी जी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इसलिए गांधी जी की हत्या की गई। आज हम जिस तरह की परिस्थिति में खड़े हैं, बेशक जिस तरह से समाज के बीच नफरत फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से दिन रात हिंदू मुसलमान करके लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से अपने ही देश में अपने देश के नागरिकों को दोयम दर्जे का बताया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम गांधी आश्रम आए हैं, विथरवा आए हैं गांधी जी का संदेशा लेने के लिए। वही संदेशा जिसमें गांधी कहते हैं कि किसी भी इंसान के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आज हम लोगों को गांधी जी के मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करके, माता कस्तूरबा के ऊपर माल्यार्पण करके बेतिया जाना था और बेतिया में कार्यक्रम करने के बाद मोतिहारी जाना था, लेकिन पुलिस का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि आपका परमिशन कैंसिल कर दिया गया है कल रात में। प्रशासन ए भाई बैठो ना, तू बैठा बैठा देंगे। देखिए प्रशासन को मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि प्रशासन प्रशासन को सरकार का सुनना पड़ता है। ए भाई तुम बैठ जाओ, प्रशासन को मायूस करने का परमिशन नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन में ये कहें कि आपको सांस लेने का भी परमिशन। इसलिए मेरा आप तमाम लोगों से आग्रह है, नहीं सर थोड़ा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। पुलिस कह रही है कि आप लोगों को हिरासत में लिया गया है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, जितना संख्या में पुलिस है उससे ज्यादा हम लोग हैं, कानून को मानते हैं, हमसे हमारा नागरिक होने का कागज मांग रहे हैं और ये हमको डिटेन करने का कागज नहीं दिया। हम लोग लड़ेंगे और इस बात के लिए लड़ेंगे कि हमको गांधी और भगत सिंह का देश बनाना है।